के साथ। समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर ओपी सिंह ने जिला एवं नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाया है कि एक तरफ समूचा शहर डेंगू मलेरिया टाइफाइड के साथ ही रहस्यमय बुखार की चपेट से कराह रहा है, दूसरी ओर प्रशासन सिर्फ इसकी कारगर रोकथाम की जगह कागजी खानापूर्ति में जुटा हुआ है। डॉक्टर ओपी सिंह समाजवादी चले जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत शनिवार को शहर उत्तरी के वार्ड नंबर 7 नई बस्ती में जनसंपर्क करने के बाद कहे कि पूरे क्षेत्र में दर्जनों लोग और बच्चे शहर में फैली बीमारियों से पीड़ित हैं, पर न तो ठीक से दवाओं का छिड़काव हो रहा है और न ही सफाई का माकूल बंदोबस्त है। शहर के अस्पतालों की भी स्थिति बदतर बनी हुई है, दवा और इलाज के अभाव में लोग परेशान हैं। उन्होंने बताया कि सपा के लोग नगर आयुक्त और सीएमओ को पत्रक देकर मांग करेंगे कि इस दिशा में तत्काल कदम उठाया जाए और रोकथाम की कार्रवाई क्षेत्रवार व तिथिवार सार्वजनिक किया जाए। वार्ड नंबर 7 में जनसंपर्क के दौरान ओपी सिंह के नेतृत्व में सपा के लोगों ने पूर्व पार्षद प्रत्याशी कैलाश पटेल के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त किया। कैलाश पटेल का गत 10 सितंबर को इलाज के दौरान हॉस्पिटल में निधन हो गया था। सपा नेताओं ने क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उसके समाधान के लिए शीघ्र ही अभियान चलाने का भरोसा दिया। इस मौके पर क्षेत्र के नागरिकों के अलावा प्रमुख रूप से राजित यादव उर्फ राजू, सोनू पाल, ऋषि यादव, मलिक खान उर्फ मोनू, महेंद्र जायसवाल, सागर जायसवाल, गोपाल जायसवाल आदि मौजूद रहे। सच के साथ।